A very warm good morning, everyone. How are you? Everybody fine? I'm Ruchi Gupta, your EVS teacher. Children, today we will read lesson 5. Which lesson? Lesson 5. The name of lesson is Ways of Recreation. What's the name of lesson? Ways of Recreation. Ways. What is the meaning of ways? Ways ka matlab kya hota hai? W-A-Y-S. Ways. वेज का मीन्स क्या होता है? वेज का मीन्स होता है तरीके. क्या होता है? तरीके. रिक्रिएशन. व्हाट इज द मीन ऑफ रिक्रिएशन? री आर ई री. री मीन्स वापस. री मीन्स वापस. क्रिएशन. क्रिएशन मीन्स किसी भी नई चीज को क्रिएट करना. ठीक है, अब इसका अगर मैं प्रॉपर मीन बताऊं आपको रिक्रिएशन, तो रिक्रिएशन का मीन होता है एक्टिविटी डन फॉर एंजॉयमेंट. एक्टिविटी डन फॉर एंजॉय. यस, व्हाट इज द मीन ऑफ रिक्रिएशन? व्हाट इज द मीन ऑफ रिक्रिएशन? रिक्रिएशन मीन्स इज एक्टिविटी डन फॉर एंजॉयमेंट. मतलब वो एक्टिविटी जो एंजॉय के लिए करी जाती है. कौन सी एक्टिविटी? जो एंजॉय के लिए करी जाती है. When one is not working. मतलब आपको अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं तो सिंपल वे में इसका मीन्स है जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते. मान लो हम स्टडी नहीं कर रहे या कुछ भी वर्क नहीं कर रहे, हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइमिंग में हम कुछ अलग क्रिएटिविटी वर्क करते हैं. जैसे ठीक है, हमने कोई ड्राइंग बनाई अच्छी सी, हमने कुछ बनाया या हमने गार्डनिंग की, तो कोई भी नया काम रिक्रिएट करना. ठीक है, एक्टिविटी डन फॉर एंजॉयमेंट, जिससे हमें करने में मजा आता है. जैसे हमने डांस किया, सिंगिंग किया, प्लेइंग किया, खेले हम कुछ, या हमने कुछ नया बनाया, तो वो क्या है? एक्टिविटी डन फॉर एंजॉयमेंट. हु इज नॉट वर्किंग? जिस समय हम कोई काम नहीं कर रहे होते और उस समय हम जो काम कर रहे होते हैं एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए, उसे कहते हैं रिक्रिएशन. तो क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? व्हाट इज द मीन ऑफ वेज ऑफ रिक्रिएशन? क्लियर? यस बच्चा. गेम्स. गेम्स तो हम सबको पता है. व्हाट इज द मीन ऑफ गेम्स? गेम्स मींस खेल. यस, वी ऑल लव टू प्ले गेम्स. हम सबको खेलना बहुत अच्छा लगता है. अच्छा लगता है ना खेलना? बहुत मजा आता है. स्कूल में भी जैसे गेम्स पीरियड आता है, और वन सेकंड भी अगर वेस्ट हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है ओ गॉड पूरा पीरियड वेस्ट हो गया. और बाकी टीचर्स तो चाहे 10 मिनट्स लेट आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ऐसे होता है ना. यस, वी ऑल लव टू प्ले गेम्स. हम सबको खेलना बहुत अच्छा लगता है. दे रिफ्रेश आवर माइंड्स एंड वी फील रिलैक्स्ड. खेलने के बाद क्या होता है? हम रिफ्रेश महसूस करते हैं, अपने आप को अच्छा फील करते हैं और रिलैक्स्ड फील करते हैं. गेम्स कैन बी आउटडोर लाइक क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल, और इंडोर लाइक चेस, लूडो एंड कैरम. तो गेम्स कितने टाइप्स के होते हैं? गेम्स होते हैं 2 टाइप्स के, एक आउटडोर और एक इंडोर. आउटडोर गेम में हम क्या करते हैं? बाहर जाके खेलते हैं, वो घर में नहीं खेलते. घर में खेलोगे तो टूटा फूटी होगी और मम्मी से पिटी होगी, होगी ना? क्योंकि अगर आप फुटबॉल घर में खेलोगे क्या होगा? किक मारोगे, फुटबॉल जाके लगेगी किसी चीज पे और वो टूट गई और फिर मम्मी का स्लैप हमारे गाल पे. यस, तो इसलिए आउटडोर गेम कहाँ खेले जाते हैं? बाहर. और इंडोर गेम अंदर, जो हम अपने पेरेंट्स के साथ भी खेल लेते हैं कितनी बार. तो ये हमारे आउटडोर गेम्स हैं, ये हमारे इंडोर गेम्स हैं. गेम्स एट स्कूल. स्कूल में जो हम गेम्स खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले वेरियस गेम्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड. बहुत तरह के गेम्स बच्चे खेलते हैं स्कूल के प्लेग्राउंड में. खेलते हो ना आप लोग? कितनी बार फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, रनिंग करते हैं, रेस करते हैं आपस में, तो बहुत सारे गेम करते हैं. बास्केटबॉल, लॉन, टेनिस एंड फुटबॉल आर सम ऑफ देम. सम स्कूल हैव कोचेज टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न द रूल्स ऑफ द गेम्स. कुछ स्कूलों में कोचेस रखे जाते हैं जो हमें गेम्स के रूल सिखाते हैं. जैसे आपके स्कूल में भी हैं, गौरव सर हैं जो आपको क्या सिखाते हैं? स्कूल में
जब आप गेम्स खेलते हैं तो उनके रूल्स और रेगुलेशन सिखाते हैं कि बेटा ये गेम खेलते टाइम हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, सिखाते नहीं सिखाते, तो वो हमारे कोचेज होते हैं। गेम्स एट होम, जो गेम हम घर में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले मैनी गेम्स लाइक लूडो, कैरम एंड चेस एट होम। बच्चे बहुत सारे गेम क्या करते हैं, घर में खेलते हैं, जैसे क्या खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, और इन दिनों तो स्पेशली खेलते हैं बिकॉज कोरोना। सो आउटडोर गेम हम नहीं खेल पा रहे, हम क्या कर रहे हैं, इंडोर गेम खेल रहे हैं अपने दादा दादी के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के हम क्या करते हैं, इंडोर गेम खेलते हैं। और ये बहुत अच्छा होता है कभी कभार इंडोर गेम खेलना भी, इससे हम सब साथ में बैठ के खेलते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। नाउडेज कंप्यूटर गेम्स एंड वीडियो गेम्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर, और इन दिनों में क्या है, कंप्यूटर गेम और वीडियो गेम, जिसमें तो सारा दिन आप लोगों को लगा लो, एक सेकंड के लिए नहीं थकते, आप लोग नहीं थकते ना, मम्मा अगर नहीं कहें तो सुबह 7 o'clock से लेके रात को 7 o'clock तक आराम से बैठ के खेल सकते हैं हम, है ना। तो इन दिनों तो क्या है, कंप्यूटर गेम और वीडियो गेम भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अच्छा, एक आपने देखा लट्टू, लट्टू जिसको हम घुमाते हैं और राउंड राउंड सर्कल सर्कल करके घूमता रहता है। यस, चिल्ड्रन ऑल्सो एंजॉय स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स होता है लट्टू, जिसको हम ऐसे पकड़ के घुमाते हैं तो वो घूमता रहता है। देखो ये जानते हो, मुझे पता है आप सब जानते हैं इसको। यस, ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये अलग अलग शेप्स के होते हैं, कलर्स एंड साइजेस। ऑल्दो द मोस्ट कॉमन वंस आर द पियर शेप्ड वंस, ज़्यादातर ये किस शेप के होते हैं बेटा, जो लट्टू होते हैं मेनली ये पियर की शेप में होते हैं। रीडिंग बुक्स, गार्डनिंग, लिसनिंग टू सॉन्ग एंड वॉचिंग टेलीविजन आर ऑल्सो वे टू स्पेंड लाइजर टाइम एट होम, और घर में समय व्यतीत करने के लिए हम लोग कितनी अच्छी अच्छी, हम मम्मी से कहते हैं मम्मी बहुत अच्छी कहानी की बुक लेके आओ, स्टोरी बुक लेकर आओ, हम बुक्स रीड करते हैं, गार्डनिंग करते हैं। बहुत सारे घरों में तो इन दिनों में नई नई सब्जियाँ भी लगाई गई हैं, है ना, म्यूजिक सुनते हैं, वॉच करते हैं, टीवी देखते हैं, नए नए सीरियल्स वगैरह देखते हैं। तो टुडे बेटा वी विल ओनली कम दिस वन।